सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। घर की एकता का उदाहरण दो, क्या आपके घर में बहुत एकता है, सारे मिलके रहते हैं? तो एक ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, घर में कोई भी बीमार हो जाए खिचड़ी सबको खानी पड़ती है। एक डॉक्टर की दुकान नई नई खुली, डॉक्टर ने गोलियां खूब भर के रखी हुई थी दुकान के अंदर में। तो एक कोई मरीज आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे को बड़े जरूरी काम से जाना है और लूज मोशन लगे हुए हैं, और आप मुझे इंजेक्शन लगा दो फटाफट, मैं जल्दी जाने लायक हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी चला जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा जा दवाइयां ले जा, उन्होंने 5-7 गोलियां दे दी उनको जोड़ा बना के, ये खा लेना ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगा दो बड़ी जल्दी है। अरे नहीं तो गोलियां खा ले, मुझे जल्दी है इंजेक्शन लगा दो। आप इंजेक्शन क्यों नहीं लगा रहे? कहते इंजेक्शन के टाइम पे जब सिखा रहे थे ना तो मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ में फिल्म देख रहा था। एक वकील साहब बड़े परेशान, सर पे हाथ रख के यूं बैठे हुए, कभी यूं कर रहे हैं, ये कैसे होगा, कभी यूं कर रहे, ऐसा केस मैंने कभी देखा ही नहीं। तो उनके एक जानकार ने पूछा, मित्र ने, अरे वकील साहब क्या हो गया, बड़ा परेशान नजर आ रहे हो। कहते हैं यार 50 साल हो गए वकालत करते हुए, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि घर जवाई की घरवाली अगर किसी और के साथ भाग जाए तो घर जवाई कहाँ रहेगा। राजू परेशान, गप्पू ने कहा राजू से परेशान क्या है? कहते है यार मेरी घरवाली मेरा कहना नहीं मानती बिल्कुल भी। कहते मेरी तो बहुत मानती है, जब भी मैं कहता हूँ गर्म पानी लाओ फटाफट गर्म पानी करके ले आती है, जब मैं कहता हूँ ठंडा पानी लाओ तो फटा ठंडा पानी करके ले आती है। बढ़िया सब। कहता वो कैसे, तुमने क्या जादू कर दिया? कहता जादू क्या करना है, उसके बाद में सारे बर्तन धो देता हूँ, कपड़े धो देता हूँ। पत्नी बोली, ये मोबाइल तो ठीक चलता ही नहीं है, पता नहीं कौन से मनहूस दिन तुमने ये मोबाइल लिया था हमने ये। अरे भगवान क्यों गुस्सा कर रही हो, तेरे जन्मदिन पे जो तोहफा दिया था तुमने। लखनऊ में एक नवाब साहब ने तोता पाल रखा था। अब तोता सुबह सुबह नवाब साहब को इसी तरह से उठाता था, हुजूर जागिए तारे मध्यम हो गए हैं, चांद छिप गया है, आपको भी अपना काम पर जाना है, आप उठिए और काम पर जाने की तैयारी कीजिए। थोड़े दिनों के बाद में उन नवाब साहब को किसी काम से पंजाब में जाके रहना पड़ा। एक महीने के बाद में तोते ने पंजाबी सीख ली। अब पंजाबी के वहां पे जाके उसने जो पंजाबी सीखी तो उसने कुछ इस तरह से दिखाना शुरू किया नवाब साहब को, ठक कंजर ले आप पुत्रा, सूरज सिर पे चढ़े आया है, अजे तक मंजी तोड़न लगा है, तेरे कम से क्या तेरा पियो जाऊंगा। कौन कहता है पत्नियां गलती नहीं मानती? मैं नहीं मान सकता, ये गलत बात है, पत्नियां गलती मानती हैं। मेरी पत्नी आज तक कहती जा रही है गलती हो गई तुमसे शादी करके। पूछा, सर काकरोच का पाउडर लेंगे? मैंने कहा आज काकरोच का पाउडर दे रहा है, कल को क्या परफ्यूम भी देगा।